बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एट मैथमेटिक्स डोमेन वन नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सब डोमेन फर्स्ट है रियल नंबर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट के बाद जो पार्ट्स आते हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में गिवन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जो हमें ये पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें हमने डिवीजन करके डिवाइड करके तकसीम करके बताना है कि कौन सी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है और कौन सी फ्रैक्शंस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो सेवन पार्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेवन पार्ट के अंदर 5/7, 5/7 दिया हुआ है, 5 को 7 पर डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। 5 को 7 पर डिवाइड करेंगे। 5 एक स्मॉलर नंबर है जो कि 7 पर डिवाइड नहीं होता। अब इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम जीरोज लगा सकते हैं, जितनी चाहे जीरो लगा के और डिवीजन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो 50 हो गया है। अब 7 7 49, 7 7 49 होते हैं। 50 में से 49 माइनस करें तो 1 आएगा। इसके बाद एक और जीरो लगा के नीचे उतारेंगे, ये 10 हो गया। 7 1 7 माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस करें तो 3 बचेगा रिमाइंडर। इसके बाद एक और जीरो लगा के फिर नीचे उतारेंगे, 30। 7 4 20 8, 7 4 28 माइनस करेंगे, 30 में से 28 माइनस करें तो 2 बचता है। अगर वैसे भी आप देखें तो 3 में से 0 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 3 से एक कैरी लेंगे 0 के साथ, तो ये इसे 10 बना देगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे एक कैरी ये दे चुका है 3, तो इसमें एक कम हो जाएगा, 2 रह जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद एक और 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास 20 हो गया। अब 20 को डिवाइड करना है 7 पर। 7 2 14, 7 2 14। अगर 7 3 करेंगे तो 21, यानी कि 7 3 21 आ जाएगा। वो 20 से ज्यादा हो जाएगा या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो हम 2 पर करेंगे, 7 2 14 माइनस किया, यहाँ हमारे पास 20 में से 14 गए 6 आया। इसके बाद एक और 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे, 60 हो गया। अब 60 को डिवाइड करना है 7 पे। 7 8 56, 7 8 56 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 बचेगा रिमाइंडर। इसके बाद एक और 0 लगा के फिर उतारेंगे, ये 40 हो गया। 7 5 35, 7 5 35 माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 5 बाकी आ गया। अगर आप देखें कि यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे भी 5 आया हुआ था और 5 से स्टार्ट करके ये डिवीजन आई थी सारी, जिन्होंने ये नंबर्स बनाए थे। अब यहाँ दोबारा 5 आया, तो इसका मतलब है कि यही वाली डिवीजन दोबारा इसी तरह से प्रोसेस होगी और इसके अंदर जो डिवीजन का जो आंसर आएगा वो इसी सीक्वेंस से आएगा, यानी कि ये नंबर्स दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें कि डिवीजन का प्रोसेस जारी है, तो हम कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा आप देखें कि इसके अंदर अब ये रिपीट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, 0.71425, सो ऑन, ये हमारा आंसर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें दोबारा यही वाले फिगर्स जो है नंबर्स रिपीट होंगे, इसलिए ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये रिकरिंग है। इसके बाद हम 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पार्ट में हमें दिया हुआ है 6/10, 6 को डिवाइड करना है 10 पर। यहाँ पे 6 लिखेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे। 6 एक स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है, 10 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये 60 हो गया। 10 6 60, 10 6 60 होते हैं। डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया, कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचा। तो इसका आंसर आया 0.06, क्योंकि डिवीजन खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जब ये टर्मिनेटिंग है तो जो टर्मिनेटिंग होती है वो रिकरिंग नहीं होती, क्योंकि टर्मिनेटेड हो चुका है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें हम बताते हैं कि कौन सी रिकरिंग है और कौन सी नॉन रिकरिंग है।
अब इसके बाद नाइन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 16/20 है, यानी कि 16 को 20, 16 को 20 पर डिवाइड करना है। तो यहां पे 16 को 20 पर डिवाइड करते हैं। अब 16 एक स्मॉलर नंबर है जो कि 20 पर डिवाइड नहीं होता। हम उसी तरह से पॉइंट लगाएंगे पहले, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे जीरोस लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 160 हो गया। अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 0 8 0 0 8 2 16, 8 2 16 होते हैं, तो ये पूरा 160 आ जाएगा। यानी कि 8 पर डिवाइड करने से हमारे पास 160 आंसर आता है। माइनस करें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, हमारा डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये हमारा 0.8 आंसर आया है, और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिहाजा इसमें हम रिकरिंग या नॉन रिकरिंग की बात नहीं कर सकते। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। 10th पार्ट में दिया हुआ 9/10, 9 को डिवाइड करना है 10 पर, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और 10 पर डिवाइड करेंगे। 9 एक स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है जो कि 10 पर डिवाइड नहीं होता। हम उसी तरह से पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। पॉइंट लगा के आपको पता है कि हम जितनी चाहे जीरोस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये 90 हो गया, तो 90 को 10 पर डिवाइड करना है। 10 9 90, 10 9 90, और बाकी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया। हमारा आंसर आया है 0.9, जिसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो जाए तो आप जानते हैं कि उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात नहीं कर सकते। इसके बाद हम 11th पार्ट की तरफ चलते हैं। 11th पार्ट में 1/8, 1 को डिवाइड करना है 8 पर, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 1 एक स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे जीरो उतारेंगे। अब 8 1 8, 8 1 8 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा। इसके बाद एक और जीरो लगा के नीचे उतारेंगे। 8 2 16, 8 2 16 होता है, 20 में से 16 माइनस करें तो 4 आता है। इसके बाद एक और जीरो लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, 40 हो गया। 8 5 40, 8 5 40, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, डिवीजन का प्रोसेस एंड हो गया। तो हमारा आंसर आया 0.125, ये हमारा आंसर आ गया है। अब डिवीजन का प्रोसेस क्योंकि खत्म हो चुका है, तो हम इसको कहेंगे कि क्योंकि खत्म, जो जिसके अंदर डिवीजन खत्म हो जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद हम 12th पार्ट करेंगे। 12th पार्ट में दिया हुआ है 14/20, 14/20, 14 को डिवाइड करना है 20 पर। तो 14 एक स्मॉलर नंबर है, एक छोटा नंबर है जो 20 पर डिवाइड नहीं होता। हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगा सकते हैं। जीरो लगाने के बाद हमें पता चल गया कि अब ये 140 हो गया है। अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 7 0 0, 7 2 14, 7 2 14, ये पूरा 140 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जब 140 आता है, तो कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचता। जब कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया और 0.7 आंसर आ गया। जिस क्वेश्चन में डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो जाए, हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। आज हमने सब डिवीजन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th पार्ट किया है। ये 6 पार्ट हमने इस वीडियो में किए हैं और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।